मोतीनगर के रामा रोड की हालत देख आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज हम खड़े हैं दिल्ली के मोतीनगर, यहाँ पर रामा रोड है। यहाँ पर रामा रोड की जो हालत है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वाकई में सच्चाई कितनी है। और दिल्ली सरकार जो लगातार कहती है कि वो लगातार कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, निगम के अंदर भी आ चुके हैं, निगम के अंदर आने के बावजूद कहीं ना कहीं गारंटी दी जा रही है कि लगातार सड़कों को बेहतर किया जाएगा, सड़कों को साथ साथ सीवर लाइन भी सही की जाएगी, मगर यहाँ पर हालात जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरावने हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीवर लाइन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है, गाड़ियाँ किस तरीके से निकल रही है, इस गड्ढे के अंदर कितनी गाड़ियां गिरती होंगी और कितनी गाड़ियां खराब होती होंगी इसका अंदाजा सिर्फ आप देख कर ही लगा सकते हैं। यहाँ पर लगातार लोग जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ पर रहने वालों की बात करें उनकी भी स्थिति कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि इस रास्ते से निकलने के साथ साथ कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़ते रह जाते हैं। सोचिए अभी बारिश नहीं है, अगर बारिश आ जाए तो कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। सर आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग यहाँ रहते हैं कैसे गुजारा करते हैं इस, क्योंकि सीवर लाइन बंद पड़ी हुई है, पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है, जो विधायक है वो शायद आपके लोगों की सुनते हैं नहीं सुनते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं। परेशानी हो रही है हमारे को। एक अहम बात, यहाँ पर 5 साल से इसी तरीके के हालात के अंदर लोग जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कहीं ना कहीं जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो दिल्ली सरकार कहती है कि फैक्ट्री लोगों को या फिर कहें बिजनेसमैन लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं जो है वो इस रोड से ही आपको अंदाजा लगता हुआ नजर आ रहा होगा दिल्ली सरकार किस तरीके के दावे करती है। यहाँ से और लोग भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करें वाकई में सच्चाई कितनी है। आपसे जानना चाहूँ यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? सर गुजारा क्या रहे हैं, ये जिंदगी और मौत से हम लोग जूझ रहे हैं। अभी ये पानी नहीं है, ये लेटरिन है, हम लोग इस लेटरिन से निकल करके जाते हैं, पैर सड़ जाते हैं। यहाँ के विधायक माननीय शिव चरण गोयल जी को हमने व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार मैसेज दिया, फेसबुक के माध्यम से दिया, लेकिन उनका कान का जू आज तक भी नहीं खुला और ना इस पर वो ध्यान देते। यहाँ गरीब मजदूर लोग भी ज्यादा रहते हैं। चरण गोयल जी को लगभग 10 साल हो गए होंगे यहाँ पे। हाँ, ये शिवचरण गोयल जी का ये तीसरा कार्यकाल है विधायक का, लेकिन इस रामा रोड पर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। हमने कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उन्हें गरीब मजदूर जो उनका वोट बैंक है उसको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ये। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला स्थिति बिल्कुल देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार के लाख दावे हो मगर लाखों दावों की जो सच्चाई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अभी भी यहाँ पर हम जिस समय खड़े हैं लगभग 12:30 बजे का समय हो रहा है, यहाँ पर सीवर लाइन जो है बिल्कुल चौक है और लगातार पानी जो है, गंदा पानी जो है वो यहाँ बाहर निकल रहा है। सोचिए कितनी बीमारियाँ पनपेगी, यहाँ पर गंदगी के आलम जो है बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी के जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं जनता खुद बता रही है कौन जिम्मेदार है, कौन इनके लिए कार्य करने के लिए जो आया हुआ है इस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कब कार्य करेंगे, इनकी सुध कब ली जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़ दिल्ली।